हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन studyindiaadda.com में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस यूपी ट्रिपल एस जेई का साथ क्लासेस चल रहा है दोस्तों, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आज जो है यूपी ट्रिपल एस जेई का 14वां लेक्चर है, यानी 14th लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले 13 लेक्चर इस चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है। आज का टॉपिक सिलेक्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कहने का मतलब, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को डेली हैबिट बनाना है, डेली 8 PM में लाइव आपका क्लासेज रहता है। यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस के वजह से दोस्तों मैं यहाँ पे आपका क्लासेज कंटिन्यू नहीं ले पा रहा था, ठीक है। अब जो है कंटिन्यू क्लासेज आपका रेगुलर होगा 8 PM में। सो 8 PM में डेली आप लोग को लाइव आना होगा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक को डील कर लिए हैं, और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके दोस्तों। और क्लासेज का PDF के लिए studyindiaadda.com वेबसाइट पर विजिट करना है, और वहां से क्लास का PDF को डाउनलोड फ्री में करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास PDF सेक्शन में जाना होगा और यहाँ से फ्री में PDF को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, साथ साथ में सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डील करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन फिल इन द ब्लैंक्स एंड केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कहने का मतलब दोस्तों, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा जो है इंडिया का संविधान लागू किया गया था, लेकिन वो अपनाया कब गया था वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सभी को पता होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन इस चैनल पे बहुत अच्छे लेवल करवा दिया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसे लागू किया गया था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेशनल पंचायती राज दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन दिस डे, कौन से डे को मनाया जाता है। डे मार्क द पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd Amendment 1992। कहने का मतलब दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है, और यह दिन संविधान का 73वां संशोधन, जो कि अधिनियम जो था दोस्तों 1992 के जारी होने का एक प्रतीक है, सिंबल है, ठीक है, वो कब जो है, ये जो है इस कौन से डे को मनाया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों क्लासेस कंटिन्यू अब होते रहेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 24 अप्रैल को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल यानी 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 के जारी होने का एक प्रतीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारत के संविधान की वो कौन सी अनुसूची है, उस अनुसूची का आपको नाम बताना है। उस अनुसूची में आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, वो कौन सी अनुसूची है, उस अनुसूची का नाम आपको बताना है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। उस अनुसूची का नाम है दोस्तों 6th यानी 6ठी अनुसूची। भारत के संविधान का 6ठी अनुसूची में जो है दोस्तों आसाम मेघालय एवं त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है, उसमें जनजातियों का जो प्रशासन होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। और आपको बता दूं, 5वीं अनुसूची अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 5वीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के कंट्रोल के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। और
टेंथ यानी दसवीं अनुसूची में क्या है, या ये जो है दल परिवर्तन, दल बदल जो कानून होता है दोस्तों, उसको दसवीं अनुसूची में रखा गया है। और एक और है आपका चौथी अनुसूची, इसको पता होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था में जो है स्थान का जो आवंटन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको चौथी जो है अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करता हूं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ मोनुमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब दोस्तों, भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों, वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, उस अनुच्छेद, उस आर्टिकल का नाम आपको बताना है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी आप लोग सीख पाइएगा, क्योंकि जीके जीएस में आपका कमेंट से ही आपको लॉन्ग समय के लिए याद रहेगा, इसलिए कमेंट करने में हिचकिचाए नहीं। इस क्वेश्चन का वैसे करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 49 यानी अनुच्छेद 49 है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 49 है उसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है, स्थान वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित उसमें जिक्र किया गया है। और आर्टिकल जो 48 है इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। और एक और है दोस्तों जो कि आर्टिकल 50 के बारे में पूछा जाता है, जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में इसमें जिक्र किया गया है आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, महात्मा गांधी एडवोकेट ए इकोनॉमी, महात्मा गांधी ने किसके अर्थव्यवस्था की वकालत किया था। ठीक है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत किया था, कौन से अर्थव्यवस्था का वकालत किया था उसको आपको बताना है। महात्मा गांधी एडवोकेट एट विच इकोनॉमी, उसका नाम था दोस्तों, बहुत ही फेमस था, केंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दे बहुत चर्चित में रहा था दोस्तों ये न्यूज, महात्मा गांधी के विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का वकालत जो है, वकालत की जो है मेन कुटीर उद्योग पे ज्यादा जोर किया गया था दोस्तों। इसके अनुसार उद्योग संपत्तियों पर केवल चंद लोगों के नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, उसके अनुसार निर्णय हुआ कि आम सहमति से हो न कि मत की गिनती द्वारा। यहां पे इस चीज को जो है गांधी जी ने संशोधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन, फॉर महात्मा गांधी वाज द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, ह्यूमैनिटी ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी। महात्मा गांधी के लिए वो कौन से भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट जितने स्टूडेंट लाइव हैं सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार गांधी जी से रिलेटेड करवाया गया है। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा खादी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के लिए खादी जो है भारतीय मानवता की एकता एवं इसकी आर्थिक स्वतंत्रता समानता का एक प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 8 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हैविंग डिजाइनेटेड एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 14th July 2014 took the oath of office on 22 July 2014। वैसे दोस्तों ये जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा है, लेकिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो उस टाइप का जो है हाईलाइटेड न्यूज था। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका राम नाइक थे। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नॉमिनेट किए जाने के बाद राम नाइक ने 22 जुलाई 2014 को जो है पद की शपथ लिया था। यह उत्तर प्रदेश के 24वें राज्यपाल थे। आपको यह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी राम नाइक के बारे में पूछ लिया जाता है कि कैमे राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश का 24th यानी 24वें राज्यपाल थे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मोहन करता हूं, 9th नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाउ मेनी ईयर मेक अप वन टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के राज्यकाल जो है दोस्तों, कार्यकाल कितने ईयर का होता है वो आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 ईयर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है दोस्तों, तारीख जिस तारीख से जो है शपथ लेते हैं उससे 5 वर्ष होता है, परंतु उसके पूर्व ही अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व हटाया जा सकता है, ठीक है। ये सभी जो है अलग अलग अमेंडमेंट आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के लिए भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नीड टू बी एमेंडेड। कहने का मतलब किसी राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, उस अनुसूची का नाम बताना है। उस अनुसूची का नाम है दोस्तों आपका फर्स्ट यानी प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एंड नए नए टॉपिक आपको इस वीडियो में, नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है और सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल ये होने वाला है, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू लास्ट तक देखें और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एटलीस्ट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। इन द ईयर 2018 मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द पंचायती राज। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? इसका मनाया गया था दोस्तों 25वीं सालगिरह, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द ड्यूरेशन एन इंडिविजुअल शुड हैव सर्व एज ए हाई कोर्ट जज इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर द पोजिशन ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति के पत्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 5 ईयर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन वाज फाउंडली रेफर टू ए बाबा साहेब। बहुत ही फेमस थे दोस्तों। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, बाबा साहेब की बात हो रहा है, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है दोस्तों, सभी को द्वारा कमेंट आना चाहिए। बाबा साहेब दोस्तों अंबेडकर को जाना जाता था, ठीक है, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लेजिस्लेटिव बेसिस वाज डन इन। कहने का मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया था वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1956 में। आपको बता दे दोस्तों कि भाषा के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में जो है ये आपको किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि आयोग ने जो है वो बनाया था तो 16 राज्य एवं 3 राज्यों के गठन का जो है सुझाव दिया था, लेकिन बता दे कि इसमें जो है दोस्तों पूर्ण गठन अधिनियम 1956 जो उस टाइम चल रहा था, 1956 अधिनियम जो चल रहा था, इसके अंतर्गत 14 यानी 14 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित राज्यों का जो है गठन किया गया था 1956 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इन 1935। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? वो था आपका एमएन रॉय। बहुत ही फेमस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में, ध्यान से देखिएगा, पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग किया था दोस्तों, लेकिन उस वक्त हुआ क्या था वो स्टोरी मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। उस वक्त हुआ था दोस्तों कि संविधान सभा का विचार एमएन रॉय के दिमाग में जो है चल रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के उस टाइम चल रहा था दोस्तों लिन थिगो का प्रस्ताव जो है, जिसको अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों उसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, आश्वासन दिया गया था, ठीक है। और आपको अक्सर एक क्वेश्चन दिमाग में चलता होगा जो दोस्तों जो कि 1942, ध्यान से देखिएगा, 1942 में दोस्तों, 1942 में जो था ये आपका क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, उसमें सर्वप्रथम भारत का संविधान सभा का मांग करने का स्वीकार भी किया गया था,
ये सभी पॉइंट जो है एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है, अक्सर पूछ देता है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। टू बी ए वोटर इन इंडिया, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज, हर किसी को पता होना चाहिए भारत में वोट देने के न्यूनतम पात्र का उम्र क्या है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 18 ईयर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 326 नोट डाउन कीजिएगा, अनुच्छेद 326 में ये जो है संशोधन करके जो है आपका 61वां संविधान संशोधन जो था 1989 नोट डाउन कीजिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान करने के न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष जो है रखा गया था, लेकिन उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ये पॉइंट को दिमाग में जोर डाल के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाउ मनी सीट आर रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित रखा गया है वो आपको बताना है। वो है दोस्तों 131, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द टेन्यूर ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा इज फॉर हाउ मेनी ईयर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, वो होता है 5 ईयर का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, सब लोग कमेंट कीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर थे दोस्तों। जीवी मावलंकर एंगर इनको जो है जाना जाता था, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल फॉर्म होगा, कभी कभी जो है इनका फुल फॉर्म में भी ऑप्शन दिख सकता है या फिर आपका जो है शॉर्ट में भी दिख सकता है, कंफ्यूज ना होइएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर, ये जो दोस्तों बता दूं कि जो है गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये 1952 से 56 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, वो कौन से है दोस्तों। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है जो कि पंचायती राज का संस्था नहीं है, वो है आपका ग्राम शहरी संस्था, पंचायती राज का जो है यूनिट नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये आपको संविधान का 73rd नंबर का जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उसमें यह चीज को जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी आपका महान न्यायवादी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये अनुच्छेद जो है आर्टिकल 76 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान है दोस्तों और ये कब गाया गया था वो आपसे पूछा जा रहा है। ये गाया गया था 27 दिसंबर 1991 को, रविन्द्रनाथ टैगोर का है दोस्तों, जो कि बंगला में रचित किया गया था और ये जो है आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को, उसी वक्त जो है ये गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता वो आपको बताना। 25th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो है विधानमंडल। विधानमंडल को नहीं माना जाता, विधानमंडल जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है दोस्तों, जबकि परिवार वंश जाति वंश जो होता है ये सब ये गैर सरकारी संगठन है जो कि नागरिक समाज के रूप में माने जाते हैं, ठीक है ये जो है संवैधानिक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नीलम संजीव रेडी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जो कि निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों, ये है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 6th यानी 6वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेडी जो है, भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, जो कि ये है आपका निर्विरोध ये चुने गए थे, ठीक है, और भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द करेक्टर
आर्टिकल 72 वाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 को कहा जाता है। उसको जो है दोस्तों हमेशा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमिशन यानी क्षमादान कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अक्सर होता है आर्टिकल 76 के तहत होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल जो है 63 जो है दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा, आर्टिकल 63 भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होकर लगा देते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आर्टिकल अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए, प्रोविजन आर मेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल द शेड्यूल अराइव्ड एंड द शेड्यूल ट्राइब अंडर व्हिच शेड्यूल, कहने का मतलब कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है, वो कौन सा है, उस आर्टिकल अनुच्छेद कौन है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 5th शेड्यूल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन पे आइए, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑन 2 अक्टूबर 1959, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कौन से जिले में पेश किया गया था, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है और एग्जाम में पूछता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों नागौर जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। पंचायती राज की पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला जो कि राजस्थान द्वारा अपनाया गया था, और आंध्र प्रदेश पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज था, दोनों पॉइंट को याद कीजिएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पे आइए, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब एरिया, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वो कौन सा है, उस आर्टिकल उस अनुच्छेद का नाम बताना है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 244, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें कि भारत का जो है आर्टिकल 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित रिलेट करता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, उस आर्टिकल का नाम बताना है आपको, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जितने स्टूडेंट लाइव है सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए, और वीडियो को टिल लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वो है आपका आर्टिकल 75, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हाट इज द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट मेंबर बिल इन द लोकसभा, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, इसका एक फिक्स अवधि ड्यूरेशन पीरियड है दोस्तों, वो कि 1 मंथ 1 मंथ है, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कीजिएगा, जिन्हें याद नहीं है क्वेश्चन को याद कीजिए, ठीक है, बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which fundamental right talk about the protection of interest of minority? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? वो मौलिक अधिकार है cultural and educational right. Option D correct answer होगा। Next question भाई, what is the maximum strength of the Lok Sabha as envisaged by the Constitution? कहने का मतलब संविधान सभा द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? अधिकतम मैक्सिमम सीट की बात हो रहा है, वो है आपका 552 यानी 552 है, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए टायर इन द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंडिया, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी म्युनिसिपल परिषद नगर परिषद, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है,
सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत बार करवाया गया आपका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति है दोस्तों, उसी के रिलेट करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ दिस इज नॉट सब्जेक्ट अंडर इंडियन लिस्ट, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय, कोई सा सब्जेक्ट नहीं है संघ सूची, ध्यान से देखिएगा, यूनियन लिस्ट की बात हो रहा है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पब्लिक हेल्थ, जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे आइए, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, कहने का मतलब भारत के संविधान के वो कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, पावर है, राइट है, उस आर्टिकल का नाम बताना है। वो आर्टिकल है दोस्तों आपका आर्टिकल 123, आर्टिकल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हैज द पावर टू प्रोपोगो दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली, कहने का मतलब कौन से फिल इन द ब्लैंक्स को, कौन जो है दोस्तों वो संविधान सभा का सत्रावासन करने की शक्ति होती है, किसमें होती है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो होती है आपका गवर्नर यानी राज्यपाल को सिर्फ होती है, ध्यान से देखिएगा। विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर के क्या बनता है, विधान मंडल बनता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि राज्य का राज्यपाल विधान मंडल का जो है अभिन्न अंग होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, विधानसभा विधान मंडल मिला करके जो है, विधानसभा एंड विधान परिषद मिला करके आपका क्या बनता है, विधान मंडल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में राज्य का राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जितने स्टूडेंट लाइव हैं, जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, सभी के द्वारा आना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई चौड़ाई का रेशियो अनुपात पूछा जा रहा है, कंफ्यूज ना होइएगा, लेंथ इज टू ब्रेथ की बात हो रहा है दोस्तों, लेंथ और ब्रेथ की बात हो रहा है, आपको कंफ्यूज ना होना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3:2 होगा, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कभी कभी पूछ देगा आपसे विड्थ यानी चौड़ाई एवं लंबाई का, तो यही रेशियो चेंज हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई ज्यादा होता है चौड़ाई कम होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो जो होता है आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, उस अनुच्छेद आर्टिकल है 315, आपको पता होना चाहिए। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका नियुक्ति कौन करता है, उसका नियुक्ति आपका करता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संविधान का जो है आर्टिकल 324 में जिक्र किया गया है, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 324 नोट ऑन कीजिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है, जो कि उसमें जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, वो प्रथम विधि अधिकारी का नाम है दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल, जो कि महान्यवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया है, उस संशोधन का नाम क्या है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। आपका 73वां संशोधन में इस चीज को जिक्र किया गया था दोस्तों, जो कि 73वां संशोधन अधिनियम था 1992, ठीक है, इसमें 11 अनुसूची को जोड़ा गया था, इसमें पंचायती संस्थाओं को जो है इसमें भी स्पष्ट किया गया था, जिक्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है, बस्तर बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, बस्तर
बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है वो आपको बताना है। वो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ कब बना था। राज्य का जो पूर्ण गठन अधिनियम के तहत तो मध्य प्रदेश से जो है अलग हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। और अक्सर पूछा जाता है कि जो है छत्तीसगढ़ में जो है बक्सर जो है छत्तीसगढ़ का आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है बस्तर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन पे आइए। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? उसका नाम है आपका इलाहाबाद का हाई कोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद का हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितना है, 160 है। ठीक है, लगभग 160 है। एंड भारत का सुप्रीम कोर्ट 31 यानी 31 है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत लगभग 15 के आसपास है। तो आपको इससे पता चलता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित किया गया था? वो आयोजित हुआ था 15 मई 1952 को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, किसके तहत आता है वो आपको बताना है। ये आता है मौलिक अधिकार के तहत, अक्सर पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, राइट नहीं है, उस कथन का नाम बताना है दोस्तों। वो है आपका, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 15 के अनुसार धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिभेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्गित किया गया है दोस्तों, उसको जो है कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यह एक धर्म और औपचारिक दर्जा का जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, किसके तहत उपलब्ध है? वो आपका है पंचायती राज निकायों में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि संविधान का 73वें और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें नारी शक्ति का प्रावधान भी दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 66 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुसूचियों को सही उचित मिलान करना है, अनुसूची 1 इधर दिया गया है, सूची 2 इधर दिया गया है। ठीक है, इसको मिलान कीजिए और कमेंट कीजिए सभी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 76 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 66 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आपको भारत का संघ है तो आपका भारत का संघ है ना दोस्तों, तो भारत का संघ आपका राष्ट्रपति में जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत कहाँ जाता है? ग्राम पंचायत आपका सरपंच जो जो है सरपंच है। ठीक है, नगर निकाय क्या है? नगर निकाय एक मेयर महापौर जो होता है नगर निगम, जो कि ऑप्शन ए में जाएगा। राज का तो राज्यपाल होता है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है दोस्तों। आशा करता हूं कि इस सेशन से आप लोग को बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम से फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studyindiaadda.com वेबसाइट जो आप लोगों के लिए बना दिया गया है वहां से फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ उसका पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके दोस्तों। एक बार मैं विजिट करा देता हूँ आपका, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो studyindiaadda.com वेबसाइट जो बनाया गया है, इस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों क्लास का पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, प्लस में यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ जो है टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज एग्जाम वाइज हर जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। क्लास पीडीएफ में जाने के बाद आप लोग यहाँ से फ्री में पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। UP SSSC का जो है क्लास नंबर आपका देख सकते हैं, क्लास नंबर 10th तक आपको पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया गया, यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका क्लासेज अब कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, बीच में डिस्टरबेंस की वजह से यहाँ पे कुछ काम था, उसी वजह से मैं यहाँ पे बिजी हो गया था,
तो आपका क्लासेस जब कंटिन्यू रहेगा, बस आप लोग ध्यान से डेली 8 PM में लाइव है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।